पुराना सिस्टम है शायद, ये 10-12 साल पहले का काम किया हुआ है। ये भी देखो, ये पूरा नया MCB अभी करंट डाला है, शायद एक महीना भी नहीं हुआ है, वो पूरा जला था। और इधर नीचे भी वो पूरा ज़्यादा करके प्रॉब्लम है, ये शायद 10-12 साल पहले का पुराना फिटिंग किया हुआ है। ये भी देखो, ऊपर फ्लेक्सिबल पाइप डाल के छोड़ दिया है, जो अभी हम चैनल पट्टी में एकदम फिनिशिंग में काम करते हैं, चैनल पट्टी के अंदर वायर इंस्टॉल करके फिटिंग करने वाले हैं। सब मीटर से ये मीटर में थोड़ा अलग ये है कि जब भी ये 2 साल पहले सोसाइटी मेंबर ने 2 साल पहले इसमें कुछ वायर 6 mm का पॉलीकैप का खाली इनपुट जो वायर है, जो इधर बस बार लगा हुआ है, ये बस बार जो लगा हुआ, ये बस बार में से जो ये लाइन आ रहा है वो लाइन डाला था, केबल अच्छा है, 6 mm का जो मेन इनपुट वायर है वो अच्छा है, तो हम इसमें अभी वायर वही रखने वाले हैं उसका। और जो बाकी का जो फिटिंग है, MCB है, चैनल पट्टी है, के जो बोर्ड है, ऊपर बैकलाइट सीट है, मीटर का रीफिटिंग है, वो सब हम काम करेंगे इसमें। लेकिन इसमें थोड़ा हमारे लिए कठिन क्या है कि हम जब भी मीटर रूम बनाते हैं तो बाहर से ही ये MCB लग जाता है और पूरा वायरिंग हो जाता है, खाली मेन लाइन देना होता है, वो पूरा काम करते तो हम 2 दिन में, वो 2 दिन का काम है हमको, और वो काम हमको अभी इसमें वायर जुना है, मतलब ओल्ड जो वायर है वही यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमारे लिए वो टाइम का इतना फिक्स करना पड़ेगा, इतना फास्ट काम करना पड़ेगा कि 2 दिन का जो काम है हमारा, जो बाहर हम करते थे वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वायर इसका यूज़ करना है, नहीं तो हम हमारा बाहर से वायर नया डालते हैं, तो वायर हमारा वही यूज़ होने वाला है। इसके लिए हमको जो हमारा 2 दिन का काम है वो काम 1 दिन में करके लेना है, उसी से हमारा 1 दिन में हम कर देंगे। जो जितने भी फ्लैट में रहते हैं मेंबर, उनको तकलीफ ना होए, रात का तो लाइट एटलीस्ट उसको देखते ही देंगे, मीटर लगा के चालू ही कर देंगे हम। और दूसरा है ये पूरा सिचुएशन, अभी कंडीशन देख लो, और मैं ये बिफोर है आफ्टर का भी इसका वीडियो दिखा दूंगा, कैसा फिटिंग है क्या है ये। ये देखो, इतना वायर, MCB का ढक्कन तो एक भी नहीं है, 4 पोल का MCB है, उसके अंदर एक के अंदर कितना वायर है, MCB में इसके अंदर कितना वायर है, ठीक है वायर है वो ठीक है, लेकिन प्रॉपर फ्लेक्सिबल पाइप से उसका फिटिंग होना चाहिए, और कवर तो एटलीस्ट चाहिए उसके ऊपर। और ये कुछ पहले का उनका इंटरकॉम का सिस्टम था, वायर उसका भी है, वो भी सब निकाल देना है। अब थोड़ा ये ज़्यादा टेंशन वाला लग रहा है, क्योंकि वायर इधर इतना लटक रहा है और इधर से ऐसा घुमा के लिया है पूरा वायर, इधर से फिर ये इधर मीटर रूम में पूरा उधर तक ऐसा जाता है लास्ट तक। और हम जो बनाते हैं कॉम्पैक्ट बनाते हैं मीटर रूम हमारा, जो अभी इसमें जो प्लाई आपको दिख रहा है वो सामने वाला जो दीवार है पूरा, वो दीवार से हमारा शायद वो नीचे का 2 मीटर है, जो नीचे का 2 मीटर दिख रहा है उधर ही तक ही हमारा मेन लाइन आए, मतलब पूरा मीटर रूम हो जाएगा, बाकी ये भाग पूरा प्लेन हो जाएगा हमारा। कॉम्पैक्ट और एकदम सिस्टम से बनाते हैं हम मीटर रूम हमारा। और हाँ, इसकी बात कर रहे थे हम लोग मेन लाइन की, तो मेन लाइन में थोड़ा हमारे लिए क्रिटिकल वो भी है कि पहले बिल्डर के टाइम में नीचे मीटर रूम में से नीचे से वायर लिया हुआ है, नीचे फ्लोरिंग में से डाल के ऐसा निकाला है, इससे दिखा देता हूँ कि वायर जो ये जा रहा है नीचे जा रहा है पट्टी में, और कुछ पाइप पड़ा है, पाइप के उधर से फ्लोरिंग में गया है, इधर से ऐसा घूम के फ्लोरिंग टू फ्लोरिंग होके वो सामने जो 4 पट्टी दिख रहा है वो 4 पट्टी में उस वो लोगों ने उधर से लेके फिर मीटर रूम में अपने रूम मीटर और रूम के हिसाब से उसने कनेक्ट किया है। तो ऐसा है, हम कल सुबह उसको स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू। थोड़ा इधर स्मेल भी आ रहा है, लगता है जो फायर इधर ये शॉर्ट सर्किट हुआ था, तभी ये फायर का बोतल का जो पाउडर रहता है दिख रहा है, पूरा वाइट वाइट जो हुआ है वो पाउडर है। बैच मारने का चालू कर रहे हैं कि मार्किंग ले रहे हैं कि ये वायर खुल जाएगा तो सब एक साथ में हो जाएगा। तो समझो वायर अभी फ्लैट नंबर 401 का है, तो अभी इसमें टेपिंग नहीं करेंगे, मार्किंग नहीं देंगे 401 का, ये खुलने के टाइम सब एक हो जाएगा। तो फिर बाद में उसको ढूंढने में तकलीफ होगा, तो हम सोच रहे हैं, हम लोग एक सिस्टम है, हम पहला इसमें बरोबर टेपिंग करते हैं, एलो टेप लगाते हैं, और उसके ऊपर जो सर्वो टेप वो भी लगाते हैं, वो लगाने के बाद सब वायर को एक साइड में रख देते हैं, मेन लाइन निकाल के जो ऊपर से आता है वो, तो ये फिर अभी हम लोग को बैच मारने का चालू करते हैं उसका। शायद 10 mm का पॉलीकैप का वायर डाला है, पॉलीकैप 10 kV, बहुत अच्छा काम है ये, बहुत बड़ी सेफ्टी है। जिनका फ्लैट 3 BHK है या तो 2 BHK भी है, लेकिन जिनका AC लगा हुआ है, हॉल किचन हॉल और 2 बेडरूम है, 3 AC के ऊपर जाता है तो मेन लाइन 6 mm से ऊपर ही चाहिए, तो 6 mm तो चाहिए ही एटलीस्ट जिसके,
वो भी पॉलीकैप का या तो फिनोलेक्स है, एंकर है, वो ब्रांडेड ही वायर लगाना चाहिए, यूज़ करना चाहिए हमको ये 60। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 8:15 बज रहे हैं शायद, इस काम चालू करने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहला मेन लाइन डाउन करेंगे, पूरा लाइन कटअप हो गया, कटिंग करना ही सीधा चालू करते हैं। माइक सब निकल जाएगा और इसके अंदर पर्टिकुलर फिटिंग आ जाएगा, पूरा दिख रहा है ऐसा ऐसा नहीं होगा। जरूर लगा के तुरंत गिरा देने का, रिटर्न कर देने का अगर लगे। वेरी गुड।